बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शिया फरमान अली। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए गाइस। आज रेसिपी नहीं, बहुत ही काम की चीज़। आपको पता है गर्मी आई हुई है और गर्मी आते ही हमारे घरों में, किचन में, बाथरूम में बहुत सारी छिपकलियाँ और इनके बच्चे। आपको पता होगा कि गर्मी के मौसम में इनका सीज़न होता है गाइस। ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बच्चे इनके इधर उधर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। बहुत काम करने आओ तो बड़ी इरिटेटिंग हो जाती है, आपको पता है, हटाना पड़ते हैं, भगाना पड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अक्सर मेहमान घर में आए हुए होते हैं और छत के ऊपर जनाब आपको छिपकलियाँ नजर आ रही होती। तो गाइस बहुत अच्छी सी ट्रिक थी, मेरे साथ जो आने का जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज के बाद आप जब ये बना लेंगे तो आपके घर में गाइस छिपकलियाँ नजर नहीं आने वाली इंशाल्लाह। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की मजेदार सी और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज की दो तरीके की ट्रिक्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहली ट्रिक्स बहुत ही आसान है, हमें चाहिए नेफ्रीज बॉल्स, आपको मिल जाएंगी कहीं से भी। काफूर इसको कहते हैं गाइस, काफूर की गोलियां और फिनेल की गोली भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने लेनी है, बहुत आराम से हमें मिल जाएंगी ये ऐसी चीज़ें गाइस। इससे छिपकली क्या हर किस्म के कीड़े मकोड़े गाइस इससे दूर रहते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और बस बच्चों को आपको इससे दूर रखना है। तो हमने सबसे पहले इसकी पहली ट्रिक जो है, इसको आप कॉटन में इस तरह का कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और इसके अंदर करके आप जहाँ भी आपके घर के अंदर गाय छिपकली आती जाती है वहीं पे आपने इसको रखना है। इंशाल्लाह इसकी खुशबू जो आती है ना उससे बिल्कुल छिपकली बिल्कुल उस जगह पे नहीं आएगी जहाँ पे ये रखी होगी। इस तरीके से आप रख सकते हैं और आप इसको बिल्कुल साबुत भी रख सकते हैं इसी तरह से, पर इसकी स्मेल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कपड़े में करके रखेंगे इस तरीके से तो गाइस इसकी स्मेल काफ़ी देर तक रहेगी और आप इसको बांध के कहीं लटका भी सकते हैं। तो बहुत अच्छी सी ये ट्रिक्स थी। तो गाइस दूसरी ट्रिक जो इसके लिए हमें चाहिए होगी, प्याज, बड़ी एक प्याज मैंने ले ली है। इसका हमने सारा अर्क निकाल लेना है गाइस। प्याज का जो जूस होता है ना किसी ब्लेंडर में डाल के हमने सारा निकाल लेना है। और टाइम बचाने के लिए बिल्कुल मैंने ये निकाल के रखा है एक बड़ी अदद प्याज का, इसको ब्लेंड कर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ा है ब्लेंड करते वक्त, बट अब हम आगे इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, अच्छे से इसको छान लेते हैं। प्याज की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका अर्क हमें चाहिए। तो गाइस कभी कभी तो ऐसा होता है कि छिपकली हमें कहीं ऐसी जगह पर दिख जाती है कि सांस ऊपर नीचे की नीचे रह जाती है और चीखें मारते हुए लोग बाहर आते हैं। तो इंशाल्लाह आप जब ये स्प्रे बन जाएगा बहुत ज़बरदस्ती ट्रिक से यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ भी छिपकली आती है आपने वहाँ पर ये करना है और वहाँ पर छिपकली इंशाल्लाह कभी आपको नज़र नहीं आएगी। बहुत ही जनाब आजमुदा ट्रिक है। तो मैंने सारे प्याज का रस अच्छे से निचोड़ लेना है इस वक्त, ये देखें आप, अच्छे से सारा निचोड़ना है हमने इसका। और अब ये स्प्रे आपको हर घर में मौजूद मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइस ये स्प्रे ले लेंगे हम और इसके अंदर सारा प्याज का अपना अर्क ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। और ये जो नेफ्रीज की बॉल्स हैं हमारे पास, हमने क्या करना है, हमारे पास काफूर की जो गोलियां हैं वो किसी चीज़ में गाइस पीस लेंगे हम, ठीक है, किसी अलग चीज़ में पीसेगा जिसमें आप खाने वगैरह का यूज़ करते हैं वो उसमें नहीं लीजिएगा, ठीक है, अलग किसी चीज़ में। देखिए मैं इसको पीस लेता हूँ और ये अर्क मेरे पास आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट सा। अब मैंने चार अदद ये काफूर की गोलियाँ इनको मैंने पीस लिया है और इन चीज़ों को भी अच्छे से आप फ्रेश करके धो सके यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बच्चों की पहुँच से बस दूर रखना होता है। अच्छे से ये पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है, थोड़ा सा जम चुका है ये। तो ये देखें इसको किसी भी इस तरह की चीज़ों की इस्तेमाल हमने करनी है जो हमने घर में किचन में यूज़ नहीं करनी होती, ठीक है, ये हो चुका है परफेक्ट। आप किसी कागज़ की मदद से और बिल्कुल घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं गाइस वो यूज़ करें, कोई मसले की बात नहीं है। और हम इस बॉटल के अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमें किसी और चीज़ में ये महलूल ना बनाना पड़े। बस अब इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे गाइस, डिटोल जो हर घर के अंदर मौजूद होता है। डिटोल शामिल करने के बाद गाइस जहाँ भी आपको छिपकली नज़र आए या जहाँ भी छिपकली आती जाती हो उस रास्ते पे आपको ये मार देना है स्प्रे। इसकी स्मेल छिपकलियों को गाइस बिल्कुल आपके घर से दूर रखेगी और अगर छोटे मोटे बच्चे होते हैं तो उनका तो जनाब बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। बहुत अच्छी सी ट्रिक से, लाजमी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का ज़ाहिर करेगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई किसी अच्छी सी रेसिपी में आपके साथ मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।